रनिंग रहना चाहिए, लेकिन 24 आवर रनिंग तो नहीं है। लेकिन नहीं है तो लेकिन इसमें क्या करेंगे, पंचायत इकाई के बारे में जो सवाल आपने किया है, चूंकि है क्या है कि राज्य स्तरीय बात है, जो इसकी जो कोटा निर्धारित है प्रखंडों में नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए, अभी जब जाते हैं आपका मंडलीय चिकित्सा अधिकारी के पास, उसके पास जो कोरम है, कोरम अगर 30 है तो उसके पास 8 है, तो उसके पास ही बात है, सरकार के नीति में आता है। जैसे अभी टीचर को ले लीजिए, टीचर की जो उपलब्धता है, टीचर की वैकेंसी तो बहुत सारे खाली, बहुत से सारे खाली, उस परिस्थिति में पंचायत के लाखों झारखंड में उस परिस्थिति में माने मुखिया क्या करेगा उसमें, जब तक आपको ऊपर से वैकेंसी पूरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो टीचर्स हैं, कम से कम अपना घंटी के अलावे घंटी जब तक आप रहते हैं उसकी उपलब्धता आप वहाँ पूरा करें लड़कों के साथ, ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जैसे हाल फिलहाल में एक सर्वे आई थी वर्ल्ड लेवल पर कि दुनिया में एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन जो सेक्टर मीडिया में है वो दुनिया का सबसे घटिया एजुकेशन देने में दूसरा नंबर आया था। तो इस तरह के जो कहा जाता है जब आदमी को एजुकेशन की बेहतरीन ना मिले, एजुकेशन घटिया के तौर तरीके से मिले, तो वो आदमी डेवलप कैसे करे, माइंड से तो एकदम खत्म हो जाएगा। जब आदमी पंगू बना दिया जाएगा दिमाग से, तो वो आदमी फिर लाइफ में कभी तरक्की कर सकता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा बात है आदमी बहुत उच्चक सवाल, हमारे पास उसके पूरे पूरे सबसे 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 बड़ा बात क्या है कि यह जो लेवल जो आप बात कर रहे हैं, यह लेवल जो है सो यहाँ इसके लिए एमपी एमएलए खास करके मंत्री, और सौभाग्य है कि इस कोटमा क्षेत्र में एमपी हमारे आते हैं क्षेत्र से, कोटमा लोकसभा क्षेत्र से, और भारत सरकार के मंत्री हैं खास, और शिक्षा मंत्री उनके दायित्व है। अब इस विषय पर जो है सो खास करके उनका लैंग्वेटी बनता है, तो 100% बनता है। अब रहा एक एज ए मुखिया, एज ए मुखिया के रूप में जो सरकार से निर्धारित स्कूल में, गांव में जो स्कूल संचालित होते हैं तो स्कूल में सही तरह तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रहा। सबसे पहली बात ये आ रही है, क्योंकि मैं कई बार गया हूँ स्कूलों में, तो टाइम टेबल जब देखता हूँ उससे भी कभी कभी खिन्न हो जाता हूँ स्कूलों में पढ़ाने की। और इसी वजह से जो अभिभावक है उसके रेट में तो सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल कर प्राइवेट पढ़ाते हैं, जबकि ये होना चाहिए था कि दिल्ली में जो सिस्टम लाए गए थे न्यू एजुकेशन के थ्रू, उसमें प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सुविधा हो गई, सरकारी स्कूलों में दी गई है। पढ़ाई के तौर तरीकों को सुधारने के लिए यहाँ के शिक्षकों को, दिल्ली के शिक्षकों को भेजा गया विदेशों में, 6-6 महीना के उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसको ला कर उसके आधार पर फिर शिक्षा को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। उसकी वजह से दिल्ली में शिक्षा बहुत बेहतरीन चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है झारखंड हो गया, बिहार हो गया, एजुकेशन सेक्टर क्यों नहीं सुधर पाता? तो सरकार के जिम्मे आता है से सब चीज़ जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में, तो दिल्ली में काम करने का उनका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, किसी भी सरकार का स्ट्रेटजी होता है। अगर सरकार चाह ले इसको उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के बारे में, दोनों शिक्षा के बारे में सरकार चाह ले, तो सरकार की अपनी जो मानसिकता है अगर उसको बदला जाए थोड़ा सा, और जो आपका कोर्स है, जो आपका टीचर है, 40 बच्चे पर एक टीचर, इसकी वैकेंसी पूरा करके और उसको बढ़िया से उसको अगर शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाए निगरानी के तहत, तब समझते हैं कि आपका सरकारी विद्यालय में कोई नहीं चाहेगा। सरकारी स्कूल तो ऐसे भी माना जाता है कि वहाँ का टीचर सबसे पहले, लेकिन है क्या कि स्तर इसका गिर जाने के कारण ही इसका नाम बदनाम हो गया है, और सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। हाँ, जैसे यही कारण जो आज के डेट में देखते हैं कि जो नेता बनते हैं या एजुकेशन में सेक्टर में जो लोग हैं उस लायक नहीं है, लेकिन क्या मिनिस्टर बन गए, तो किस तरह से इस चीज़ को, इसी के लगे भी समस्या आती है। जब आदमी ये होता है कि ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन होता है तो हाई सोच रखता है, जब लोअर एजुकेशन होता है तो उस तरह का सोच नहीं रख पाता, नज़रिया नहीं रख पाता, और जब नज़रिया उसका बेहतरीन नहीं होता है तो इस चीज़ को भी नहीं सुधार पाता। इसमें जो सवाल है ना, अगर राय दे, अगर कैबिनेट का मंत्री होता है अगर 15 धारण का लेंगे, और कैबिनेट का मुख्य मालिक होता है चीफ मिनिस्टर, और 15 में अगर 3 व्यक्ति, अगर कोई कम पढ़ा लिखा अगर मंत्री बन गया, कि राजनीति के बारे में आप भी जान रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, बाध्यता है, बाध्यता के नहीं, लेकिन उसमें चूंकि आपका ग्राउंड लेवल से आपको अगर अपने राज्य को ऊपर उठाना चाहते हैं ग्रोथ को, उसके लिए वो चीज़ सोच रखनी होगी।
और उसके लिए किसी को हम इसको बनाए हम चुप रहेंगे, उसके लिए एज ए मुखिया जो है चीफ मिनिस्टर उसको एकदम मैंने क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट होकर सभी विषयों पर और सभी मैंने व्यवस्था के ऊपर में निगरानी अगर दुरुस्त रखेंगे हम समझते हैं सब का चल सकता है।